हाय हेलो नमस्ते एवरीवन, मेरे इस चैनल कामनाथ ड्रीमर में आप सभी का स्वागत है। सो आज है हमारा हमारे गांव में लास्ट डे। अब आज की हमारी टिकट है तो हमारी कुछ 3 से 4 बजे की ट्रेन है और 1-1.5 बजे हम यहां से निकल जाएंगे। बट उससे पहले हस्बैंड निकल जाएंगे, वो जा रहे हैं बाहर, ठीक है। सो हमारी पैकिंग कल ही हो चुकी और उतना ही टाइम लगता है जितना अनपैक करने में लगता है, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या तैयारी चल रही है। और इस बार हमारे साथ बॉम्बे आने के लिए 2 एक्स्ट्रा मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ कौन ऐड हो रहा है और हमारी पैकिंग दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे दोनों बैग्स रेडी हो गए हैं, पहले की तुलना में कम हो गए, चीज़ें यूज़ हो गई, ख़त्म हो चुकी है इसीलिए। एंड ये शोना का डाइपर बैग एंड ये मेरा पर्स रेडी है, बस ये अभी हटाना है, वो तो जाते वक्त तभी हटाएंगे, ठीक है। तो मतलब लगभग रेडी है और अब बन रहा है किचन में खाना। हमारे साथ हमारी जो चाची हैं वो भी चल रही हैं, ठीक है, कुछ ट्रीटमेंट के लिए। ये देखिए कुंडरू बनने वाली है और रोट बनने वाला है, सब खाने की तैयारी चालू है, ठीक है। और यहाँ पे जेंट्स लोगों की पंचायत बैठी है। आज ये देख लीजिए आखिरी व्यू हमारा, ठीक है। सो फाइनली हस्बैंड थोड़ी देर में निकलेंगे, सो इसलिए वो खाने का वेट करें। एंड ये देखिए हमारी शोना भी रेडी हो गई है नहा धो के, खाने में मैं भी हाथ बटाने लगी। सो यहाँ पे नेहा बेल रही है और मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ। और जैसे कि हमारा किचन देख सकते हो दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों इस रूम को कुछ और बनाने का प्लान था, बट ऐसा है कि किचन के लिए बेस्ट यूज़ होता है फिलहाल ये। तो जब हम कोई आ जाते हैं ना तो ये किचन ऊपर शिफ्ट हो जाता है, नहीं तो सब लोग नीचे ही किचन रखे रहते हैं क्योंकि अप एंड डाउन कौन करेगा इसीलिए। तो चलिए मैं आपको और भी रूम्स दिखा दूँ जो यहाँ पे हैं। एंड ये देखिए हमारी चाची जी भी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं क्योंकि ये हमारे साथ चलने वाली हैं। सो देखिए पूड़ियों का क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि हमारे साथ सब 9 लोग हैं टोटल और सभी बड़े बड़े लोग हैं, सो उस हिसाब से ले रहे हैं। एंड एक्स्ट्रा हो गया तो कोई बात नहीं, देखेंगे। एंड ये देखिए बाहर का नज़ारा, फ़िलहाल कुछ नहीं, हरी भरी वादियाँ हैं। आज हमें ये नज़ारा लास्ट देखने के लिए मिल रहा है, अब इसके बाद नहीं मिलेगा, जब हम आएंगे तभी देखना होगा। एंड ये देखिए आप इसको स्टोर रूम भी बोल सकते हो दोस्तों, एक्चुअली जो भी अनाज कुछ भी सामान आता है ऊपर के किचन यूज़ के लिए सो वो यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। एंड तो चलिए फटाफट चलते हैं काम निपटा के क्योंकि अभी हस्बैंड थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। हस्बैंड तो गाड़ी में बैठ के निकल लिए हमसे पहले, तो चलिए जो बच्ची की तैयारी है हम भी वो कर लेते हैं और फिर हम भी निकलेंगे थोड़ी देर में। खाने का तैयारी हो रहा है, वो देखिए उसी बैग में सब आएगा। सो चलो चलते हैं फटाफट, ये देखिए अभी सब चालू है। तो चलो बेड को अच्छे से पूरा ढक देते हैं और इस काम में मेरी मदद प्रीति ने की। सो हमने बेड ढक दिया, ड्रेसिंग टेबल ढक दिया, तो अच्छे से तैयारी हो गई, अब चलते हैं। दरवाज़ा बंद, तो ये देखो बैग निकलने लगे बाहर, इसको भी अभी ये देख लो हमारे बैग भी निकल गए, ठीक है। और अभी ना हम एक बूढ़ी दादी हैं उनसे जाते हैं। ये देखो शोना बैग भी हमारे सब निकल गए, चाची जी तो दरवाज़ा भी लॉक कर चुकी है। बैग भी निकल गए हैं, जबकि घड़ी में कितने बज रहे हैं अभी जिगर? अभी 12:30 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन 4 बजे की है जो कि हम 1:30-2 बजे निकलेंगे, बट हमें निकलने की घाई इतनी है कि देखो अभी 12:30 बजे हमने सब तैयारी कर ली, ऑल सेट। तो चलो आंटी से मिलने चलते हैं। दोस्तों हमारे घर के बाजू में जो दादी है ना वो हमारी फैमिली है, तो चलो एक बार जाने से पहले उनसे मिल के आते हैं। अंदर होगी ना, चलिए। हाँ भाई सब खतरनाक वाली एकदम भयानक, चलो कोई दादी।
छूना लग जाएगा आपको, उंगली कट जाएगी आपकी। मैं तो बात नहीं जाती हूँ, मियाँ बैठ जाएगी। और दादी बाकी सब तबियत पानी कर ले, चली जाता हूँ। ये आए हमारे घर में, हमारे लड़का के आए, हम तो बात नहीं करने का। चली जाता हूँ तो हम और पुलिस भी आए चला तो दादी बोलो, दादी मैं अभी फिर जल्दी आऊंगी, बोल दो दादी को मैं फिर आऊंगी। बोलो मैं जल्दी आऊंगी, जल्दी आऊंगी, जल्दी आऊंगी। अच्छा तब हमारा लगे आवाज़ी, अच्छा हमारा लगे आवाज़ी पत्थर बाई था कि क्या बना रहा है भगवान, कोहरा बाहर रहा है। चिंता मत करो, भर रही है। अब कहाँ जा रही हो? आओ जल्दी, भारी ही कोहरा, भारी ही। चले दादी ठीक बना दे। अब नहीं ना दादी, अब कहाँ बच गए, अब कहाँ कहे उठे थे जाता हूँ। हाँ अभी नहीं, अभी रश का टाइम बाट है, बाद में निकलब, लेकिन सोचे बाद में ना आई पाओ की भी ना आई के नहीं लिया। भगवान को बात हम कर दी जाओ, चलो ठीक है। तार कोरा भाजी ढेर कर ले, जरूर हम आपके दिल से ढेर कर दे। ठीक बता दिया, चल ये देखो आज दादी और सोना मैचिंग मैच। मैचिंग मैच कर रही है चाचा जी, हमारे चारा काट रहे हैं, चारा काट रहे हैं ना। काऊ के हाँ बैठे वाला है। हाँ चेरी खाने कुलदीप अकेल रहे हैं। कुछ सामान भी लेना है ना तुमको, इधर से ही पैसा दे दिया मैं तो। आप सुनो बेटा आ जाओ, मेरा चेहरा सुनो। देखो हमारी प्रीति हमारे लिए तहरी बना रही है, बस थोड़ा सा लगता है लेट हो जाएगा। चित्तू चिंता मत करा, हम तो हर तहरी लेके जा भाई। कितना टाइम लगेगा भाई? भाभी तेज चले, खाली बहुत लागे, 15 मिनट बस। ठीक बा, 15 मिनट तक हम मेल लेप तो रहे वजह से। चाचा जी सामान ला रहे हैं, देखो हमारे चाचा जी सब सामान लेके जा रहे हैं हमारी। और आ रहे, देखो खिचड़ी, खिचड़ी रेडी हो गई फाइनली इसकी। 10 मिनट के अंदर अंदर अब हम लेके जाएंगे, जैसे कि पापा जी चाचा जी पीछे पड़े कि चलो जल्दी चलो जल्दी। प्रीति ने नेहा के लिए बहुत मन से तहरी बनाई दोस्तों यहाँ पर, लेकिन अब इसको भरे किस में, क्योंकि खाने वाला बैग तो चला गया नीचे, और नीचे अगर लेने जाएंगे तो पड़ेगी डांट। लेकिन हमारे प्यारे चाचा जी वहीं पे खड़े थे तो उन्होंने मुझे बैग दे दिया। लेके चलो ऊपर, लेके चलो ऊपर दीदी। चाची मैं लेके आई। अरे मुस्कान यहाँ यहाँ देखो देखो, अब इसमें से एक डब्बा खाली करेंगे और हम उसको भरेंगे। बेचारी प्रीति ने बड़ी मेहनत करके बनाया ना प्रीति, घाई घाई में। फिर किसमें? अरे चाची फिर इसको रख दो, चाची चावल रखने गई इसको लेने। अरे हम लेट बनाओगे, चाची जी थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेना, हाँ सुनवा के लिए भी हो जाएगा। और लेके आऊँ क्या? भर देते हैं इसको। एकदम ठूस ठूस के भरना है चाची जी,
नहीं नहीं ठूस ठूस के बोल रही हूँ। कौन बात नहीं बस हो गया हमारा खिचड़ी। फाइनली प्रीति की मेहनत रंग लाई और तरी ऑन टाइम रेडी हो गया। सो ट्रेन में सोना के भी खाने का जुगाड़ हो गया क्योंकि दोस्तों पूड़ी और सब्जी है तो शायद वो ना खाए। सो लकीली सब चीज़ें हो गई और ना चाची जी और जो मुस्कान है ये दोनों काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे क्योंकि चाची जी ने मुस्कान को कभी छोड़ा नहीं है। सो फर्स्ट टाइम माँ बेटी अलग हो रहे थे तो इसके लिए जैसे कि मुस्कान छोटी इसलिए वो काफ़ी रो रही थी और काफ़ी ज़्यादा अपनी मम्मी को मुहा रही थी। इधर हंसी की बहार है देखो बेशर्म इसको डालूंगी मैं। तो हमारे आस पड़ोस के परिवार हैं वो भी हमसे मिलने आए क्योंकि हम जा रहे हैं। सो ये देखिए हमारी गाड़ी ऑल सेट रेडी है सिर्फ हमें जाके बैठना है। सो बड़ी मम्मी जी चाची जी जिनको आपने अक्सर मेरे वीडियो में देखा है वो लोग भी हमसे मिलने आए हैं। हाँ तैयार हैं पापा जी देखो देखो मम्मी जी और अम्मा जी यही एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं तो चलो खुश रहो आबाद रहो दुलाई अच्छी दुलाई मिले तुमको। हमरो ऐसे विदाई भर आई देखो उधर उदासी की लहर इधर खुशी की लहर सब एक दूसरे का पैर छू रहे हैं। चालू नहीं कर ए भाभी So, मैं और चाची जी हमारी बोलेरो वाली गाड़ी में ना बैठ के अम्मा जी के घर से जो गाड़ी आई थी उसमें बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने गांव को बाय बाय करते हैं। सो अब मिस करेंगे ये ग्रीनरी हरा भरा नज़ारा। तो ठीक है अब चलते हैं अपने स्टेशन की ओर। देखा गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी हम पसीने से लथपथ हो गए थे क्योंकि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी जो कि बहुत जल्दी ही ठीक भी हो गई। सोना सो रही थी अपना उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और बात ही बात में हम पहुंच गए प्रतापगढ़। देखिए मम्मी पापा जी अभी आ गए। दोस्तों आप लोग प्रतापगढ़ स्टेशन का नज़ारा एंजॉय कीजिए तब तक हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं और मैं ये मेरा पार्ट वन व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जल्द ही पार्ट टू व्लॉग अपलोड करूँगी सो तब तक एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड ये सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड उससे भी ज़रूरी चीज़ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप फटाफट आके देख लें। थैंक यू सो मच।